नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो सौर मंडल का अवश्य देखा होगा। आज हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि जो पृथ्वी है आपका, ये आकार की दृष्टि से, सबसे पहला पॉइंट ये है आपका कि ये आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान पर, कौन से स्थान पर है सौरमंडल के ग्रहों में? पांचवें स्थान पर है। और इसी के समकक्ष या इसी के समरूप समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह भी है, इसीलिए पृथ्वी की भगनी भी उसे कहा जाता है। लगभग ये शुक्र के आकार का समझ लीजिए है पूरी तरीके से। दूसरी चीज, ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हालांकि अभी रिसर्च जारी है कि हो सकता है कि कहीं पर मिल जाए, लेकिन जो सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं वो यहीं पर भी पृथ्वी पर ही है, और यहीं पर जीवन यहां पर ही पाया जाता है, अन्यत्र भी कहीं नहीं मिला है। तीसरी चीज है कि जो पृथ्वी का, पृथ्वी पर जो प्रतिशत भाग है उसमें 71% भाग आपका जल है और 29% भाग आपका स्थल है, यानी पानी बहुतायत मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है। तीन चीज हो गई। चौथी चीज ये है कि पृथ्वी जो है वो हल्का चपटी हुई, ध्रुवों पर जो है चपटी हुई। ध्रुव क्या होते हैं कि सबसे उत्तरतम बिंदु और सबसे दक्षिणतम बिंदु आपके क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। ये पृथ्वी जो है आपका वो ध्रुवों पर हल्का चपटी हुई है, और इस वजह से ये अपनी एक विशेष आकृति रखी है जिसे जियोइड कहते हैं। तो ये देखिए आपका जो ये एक्सिस है, और पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, और साथ ही साथ ये अपने जो अक्ष है ऊर्ध्वाधर अक्ष उससे कुछ झुकी हुई है, एक तरफ झुकी हुई है। तो ये जो झुकाव है अपने अक्ष से वो है इसका 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। ये अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष से 23.5 डिग्री 30 मिनट लेटी हुई है या झुकी हुई है, और इसका जो कक्षीय झुकाव है कक्ष से इसका है ये 66.5 डिग्री है। इसी झुकाव की वजह से हमारे यहाँ क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन में हालांकि परिक्रमण गति का बहुत महत्व है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये आपका झुकाव भी बहुत ही महत्व रखता है। इसका जो व्यास है आपका पृथ्वी का, चौथी चीज जो इसका व्यास है, ये दो प्रकार के व्यास होते हैं, एक ध्रुवीय व्यास है और एक विषुवतीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास आपके क्या होते हैं कि ये जो व्यास है ध्रुवों को मिलाने वाले जो लाइन है काल्पनिक लाइन, वो जो व्यास बनाती है वो आपका ध्रुवीय व्यास है। हमने पहले ही बताया कि पृथ्वी जो है यहाँ पर आपकी चिपटी हुई है, इस चिपटेपन की वजह से क्या होता है कि ये जो दूरी होती है ये कम हो जाती है। अगर आप एक गोले से इसकी तुलना करें तो गोले में क्या होता है कि जो ये त्रिज्या होती है या व्यास होता है वो दोनों तरफ बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि ये जो विषुवत रेखा का व्यास है ये तो पूरा गोला है लेकिन ये हल्का चपटी हुई है, इस वजह से ये जो व्यास है आपका ये कम हो जाता है अपेक्षाकृत विषुवतीय व्यास से। तो इसे हम विषुवतीय व्यास लिख दें। विषुवतीय व्यास ये है आपका 12,756 किलोमीटर, और जो ये आपका ध्रुवीय व्यास है निश्चित ही कम होगा क्योंकि यहां पर थोड़ा चपटी हो गई है, तो ये जो आपका व्यास हो जाएगा ध्रुवीय व्यास आपका ये हो जाएगा आपका 12,714 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा। ये इसका आकार है, और जो ये व्यास है आपका ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास है। तीसरी चीज ये है आपका कि ये एक्सिस के अबाउट घूमती है, ये जो इसकी एक्सिस है इसके इसके परिता घूमती है, और जो ये परिता घूमती है इसे हम परिभ्रमण कहते हैं, यानी ये जो गति है आपका, जैसे लट्टू होता है, लट्टू को हम जब नचाते हैं तो लट्टू अपने एक्सिस पर घूमती है, वो परिभ्रमण कराता है। परिभ्रमण का मतलब है रोटेशन, रोटेशन जब करती है तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है, और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि दिन और रात होते हैं। तो परिभ्रमण ये पूछा जाता है कि परिभ्रमण की वजह से क्या होता है या रात दिन किस गति की वजह से होता है, तो रात दिन जो होता है वो आपकी परिभ्रमण गति से होती है, इसे ही दैनिक गति भी कहते हैं।
दैनिक गति करते समय क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी होती है या इसका जो वेग होता है वो होता है आपका 1610 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। यह ध्रुवों पर कम होता है, जो वेलोसिटी होती है वो आपके ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा पर ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला होता है वी बराबर आर ओमेगा, तो आर अधिक होने पर क्या होता है वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, आर कम होने पर वेलोसिटी कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि ध्रुवों पर जो व्यास है आपका वो कम है, इस वजह से इसकी जो इसका जो वेग होता है वो ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है। चौथी चीज और उसके बाद ये देख लीजिए आपका ये जो घूमता है, जो अपनी एक्सिस पर घूमती है पृथ्वी, उसकी दिशा क्या होती है, तो ये आपकी है पश्चिम से पूर्व की ओर। दैनिक गति में जो आपकी गति करती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इस आधार पर हम दो चीजें हैं, जब ये गति करती है तो घटनाएं पुनरावृत्त होगी, घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। तो मान लीजिए किसी चीज को हमने देखा या सूर्य को ही, तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि जो दिवस हो जाएंगे वो दो तरीके के हो जाएंगे, एक नक्षत्र दिवस आपका हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा सौर दिवस। दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी हम बता रहे हैं। ये भी पृथ्वी घूमती है, हम मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर खड़े हुए हैं और सूर्य को हम देख रहे हैं, तो आज देखेंगे फिर कल कुछ समय पश्चात इस घटना की पुनरावृत्ति होगी, यानी सूर्य को हम फिर देखेंगे, इसी अंतराल को हम दिवस कहते हैं। और ये कौन सा दिवस है, जब सूर्य को जब हम किसी भी नक्षत्र को देखते हैं दो बार उत्तरोत्तर किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए हम यहां पर देख रहे हैं, ये कोई मध्यान्ह रेखा है, अक्षांश देशांतर की बात हम बाद में करेंगे, इसीलिए हम केवल एक रेखा की बात कर रहे हैं सीधी से, किसी रेखा पर खड़े होकर हम देख रहे हैं, तो हमारे सामने से जब कोई नक्षत्र दो बार उत्तरोत्तर गुजरता है तो उसके बीच के अंतराल को क्या कह देते हैं कि यह नक्षत्र दिवस है, इसकी जो अवधि होती है नक्षत्र दिवस की अवधि होती है वो होती है 23 घंटे 56 मिनट। आगे हम सौर दिवस की भी बात करेंगे, सौर दिवस में क्या होता है उसमें परिक्रमण में हम वो बात कर लेंगे, फिलहाल हम अभी ये देख रहे हैं। तो ये जो और ये जो लाइन है एक्सिस इसका, ये आपका भौगोलिक अक्ष कहलाता है पृथ्वी का। ध्रुव भी दो तरीके से होते हैं, एक भौगोलिक ध्रुव होता है एक चुंबकीय ध्रुव होता है। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है कि वो सदैव परिवर्तित होता रहता है, उसमें वेरिएशन होते रहते हैं चुंबकीय ध्रुव में। और ये जो वेरिएशन है प्रेजेंट टाइम में अभी पता चला है शोधों से कि 55 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से ये शिफ्ट हो रहा है अलास्का की तरफ। और ये जो आपका ये जो भौगोलिक ध्रुव है ये अपरिवर्तित रहता है भौगोलिक अक्ष। प्रायः जो बहुत ही अच्छे सर्वेक्षण कार्य किए जाते हैं वो हम भौगोलिक अक्ष को ही मानक मानकर करते हैं, क्योंकि वो स्थिर रहता है आपका और ये ध्रुवीय अक्ष आपका परिवर्तित होता रहता है इस तरीके से। और ये वेलोसिटी आपकी जो हमने बताया, पहले ही बता चुके हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो आपकी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है अपने अक्ष पर वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, और सबसे कम कहां होती है ध्रुवों पर होती है। ये हम देख चुके हैं, अब आइए इसके कुछ डाटा को हम देख लेते हैं इकट्ठे। पहला क्या था बताए थे, पांचवा स्थान है इसका, दूसरा है इसका जीवन इकलौता ऐसा ग्रह जिस पर यह जीवन पाया जाता है। तीसरा क्या है, ध्रुवीय व्यास जो इसका है आपका 12714 किलोमीटर है। तीसरा है इसका जो विषुवतीय व्यास है वो है आपका 12756 किलोमीटर है। फिर है आपका इसके जो भूभाग है उसके 71% भूभाग पर आपका क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 29% भाग पर आपका स्थल पाया जाता है। घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, और स्पीड जो है इसका रोटेशन की स्पीड है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसकी भौगोलिक इसके जो ध्रुव होते हैं, एक भौगोलिक ध्रुव होता है और एक चुंबकीय ध्रुव होता है। चुंबकीय ध्रुव हमने बताया कि हमेशा परिवर्तनशील होता है। आपका जो नक्षत्र दिवस होता है वो 23 घंटे 56 मिनट का होता है। सौर दिवस जो आपका है वो 24 घंटे नक्षत्र दिवस की अपेक्षा सौर दिवस अधिक समय का होता है। और फिर आपका इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, इसका कारण क्या है, जल की अधिकता इसका एक कारण है कि जिसकी वजह से ये नीला ग्रह दिखाई देता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक्सिस से कितना झुकाव है, तो वर्टिकल एक्सिस से इसका 23.5 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका झुकाव जो है 66.5 डिग्री है। इस तरीके से ये आपका जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे यहां पर हो चुके हैं। अब इसके आगे हम देख रहे हैं, देखिए
यहाँ पर आपका हो गया था कि हमने दैनिक गति पढ़ लिया, अब ये क्या है आपका वार्षिक गति के बारे में पढ़ना है। वार्षिक गति क्या होता है कि जब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो सबसे पहले तो यह है कि इस तरीके से घूमती है। दूसरी बात, जब एलिप्स ये जो पथ बनाती है, जिस पथ पर यह घूमती है, वो मार्ग आपका ज्यामित में दीर्घवृत्तीय मार्ग कहलाता है। और उस मार्ग में दो फोकस होते हैं, जिसपे एक फोकस पर सूर्य है। और इस स्थिति में होता क्या है कि पृथ्वी कभी सूर्य से दूर होती है और कभी सूर्य से पास में होती है। तो इन दो चीजों को हम कहते हैं, जब सूर्य से दूर होती है तब पृथ्वी आपकी अपसौर कहलाती है, जब सूर्य किससे पास होती है तो आपकी उपसौर कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपसौर और अपसौर क्या है और ये कब होता है। तो ये आपका जो अपसौर होता है वो होता है 4 जुलाई को। उपसौर जो है आपका 3 जनवरी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में रहती है और 4 जुलाई को सबसे दूर रहती है। जब सबसे पास रहती है तब उस समय इसकी दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और जब दूर होती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, इन दोनों दूरियों के योग का आधा करके हम पृथ्वी की औसत दूरी निकाल लेते हैं। ये जो पृथ्वी आपकी गति करती है, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। लगभग आप मान चलिए 365 दिन 6 घंटे में यह पूरा चक्कर लगाती है। अब 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है और इसी को हम एक वर्ष कहते हैं, लेकिन 6 घंटा जो हुआ आपका वो ज्यादा हो जाता है। तो 6-6 घंटे आप जोड़कर हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। जब ये एक दिन आपका बढ़ जाता है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं फरवरी माह में, जिसमें 28 फरवरी जो होती है वो 28 दिन के बजाय 29 दिन की हो जाती है। और इस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में जो दिनों की संख्या हो जाती है वो आपकी 366 हो जाती है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है, और इसका जो वेग होता है वो होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है उस समय इसका वेग होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस वेलोसिटी होती है पृथ्वी की। सूर्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है आपका वो कौन सा है। सूर्य के नहीं, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो आपका है वो आपका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप सूर्य से सबसे नजदीक, पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है, और इसकी दूरी है आपकी 4.22 प्रकाश वर्ष। यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा आपका क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, अल्फा सेंचुरी तारे, अल्फा सेंचुरी का एक सदस्य है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो आपका है साइरस या डार्क स्टार, जो कि पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चूंकि यह सूर्य से ज्यादा चमकीला है, दूर भी है और चमकीला भी सबसे ज्यादा है, तो इसका जो द्रव्यमान है इसका सूर्य के द्रव्यमान का ये 2 गुना है। साइरस स्टार का जो द्रव्यमान है आपका वो सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है। इस तरीके से ये चीजें आपकी होती है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ये आपकी वार्षिक गति है, इस वजह से ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो आइए इनके हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो पहला चीज आपका है अपसौर। अपसौर जो होता है आपका वो होता है 4 जुलाई को, इस समय पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। दूसरा है उपसौर, ये 3 जनवरी को होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस समय। तीसरा है आपका, एक होती है एपसाइड रेखा। एपसाइड रेखा क्या होती है कि पृथ्वी के सबसे दूरी पर और सबसे नजदीक के समय जो लाइन इसे मिलाती है और सूर्य से होकर जाती है वो काल्पनिक लाइन आपकी एपसाइड कहलाती है। यानी यह लाइन आपकी क्या है, एपसाइड लाइन है या एपसाइड रेखा है।
तीसरी चीज ये आपकी जो इसकी गति है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी की गति जब यह सूर्य का परिक्रमण करती है तब, यानी परिक्रमण के समय। इसका आवर्त काल क्या है, यानी एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है, वही आपका वर्ष कहलाता है, और ये होता है 365 दिन। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। पांचवी चीज है आपका, जो इसका सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है, सबसे नजदीक का तारा अगर सिर्फ पूछा जाए तो सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य हम कह सकते हैं, लेकिन सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा जो है आपका वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जिसकी दूरी कितनी है, 4.22 प्रकाश वर्ष। छठा क्या है आपका, सबसे चमकीला जो तारा है वो है साइरस। साइरस या डार्क स्टार, यानी इतनी चीजें आई। अब अपसौर कितनी दूर पर होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। उपसौर क्या होता है आपका, 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसको हम अगर सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की कहें तो कितनी होती है, तो सूर्य से औसत दूरी जो आपकी होगी एक बार पास आ रहे हैं एक बार दूर जा रहे हैं तो उस समय हम औसत का प्रयोग करते हैं, औसतन कितनी दूरी है, तो ये आप दोनों का योग करके डिवाइड कर दीजिए। तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर। इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो गया, अभी वो करो। और इस तरीके से ये औसत दूरी आपकी हो गई 14.95 करोड़ किलोमीटर। अब जो ये आपका ये छूट गया था, जो साइरस स्टार है आपका, उसकी जो दूरी है आपका 9 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसका द्रव्यमान हमने लिख दिया है कि सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है ये। अब एक चीज आ जाइए कि पृथ्वी की कक्षा में, तो यहां इसका एक अपना एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, आप सभी लोग जानते होंगे ये चंद्रमा है। ये पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां अगले पॉइंट में हम लिख दे रहे हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। संख्या की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। दूरी इसकी है 384,000 किलोमीटर। इस तरीके से ये आपका पृथ्वी से संबंधित कुछ अंश समाप्त हो चुके हैं, कुछ चीजें अभी बाकी हैं। और जब हम पृथ्वी के आंतरिक, पृथ्वी के समझ लीजिए कि ये हम बाहर से बैठकर अभी तक इसे देख रहे थे, अब पृथ्वी पर आकर हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या स्थितियां होती हैं, कब दिन बड़े होते हैं, कब छोटे होते हैं, कब बराबर होते हैं, ये सारी चीजें। जो आपके ऋतु परिवर्तन होती थी वो आपकी इस वजह से होती थी, इसकी वार्षिक गति से, यानी सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है, इस पर निर्भर करता था कि ऋतु पृथ्वी पर क्या होगी। दूसरी चीज, इसका झुकाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ऋतुओं में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी का झुकाव भी अपने अच्छे से। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि
सारी चीजें देखेंगे कि कहाँ पर कब दिन बराबर होते हैं, किस दिन दिन छोटा होता है, किस दिन दिन बड़ा होता है, कौन सी गोलार्ध में क्या होता है, ये सारी चीजें अगले वीडियो में देखेंगे अच्छा देशांतर के साथ पढ़ते हुए। धन्यवाद।